नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात शराब तस्कर सूरज गुप्ता और उसके गुर्गे संजीव राय को हथियार के साथ धर दबोचा है। टाउन डीएसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। दोनों शराब तस्करों को मुजफ्फरपुर में संदिग्ध अवस्था में मोटरसाइकिल पर देखा गया था। सूचना के पश्चात एसएसपी द्वारा छापेमारी दल का गठन किया गया और लकड़ी ढाई के नवाब रोड की आल्हे सुबह घेराबंदी कर छापेमारी की गई। छापेमारी में दोनों शराब तस्करों को हथियार के साथ धर दबोचा गया। पुलिस ने अपराधियों के पास बिना नंबर प्लेट की ग्लैमर मोटरसाइकिल, एक लोडेड देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक देसी कट्टा और गोली सहित चार मोबाइल बरामद किया है। कुख्यात शराब तस्कर सूरज गुप्ता के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली कि छापामारी के दौरान अभी जो हम लोग का समकालीन अभियान चल रहा है गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध, उसी में सूचना मिली कि ये दोनों मोटरसाइकिल से सूरज गुप्ता और संजीव राय देखे गए हैं। इनको तुरंत पकड़ने से, इनको विरुद्ध छापामारी करने से इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, साथ में अवैध सामान की बरामदगी हो सकती है। उनके द्वारा तुरंत में नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सिटी एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, जिसमें नगर थाना अध्यक्ष के अलावे रवि गुप्ता, ओम प्रकाश, नागेश्वर मंडल, जितेंद्र पासवान एवं अन्य सिपाही को का टीम बनाया गया। इन लोगों के द्वारा जहाँ जिस जगह पर छापेमारी की सूचना मिली थी भागने की, उस दिशा में जाया गया। लकड़ी ढाई में सुबह में करीब 4 बजे सुबह में इनको घेरा गया। ये मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, उसके बाद इनको पीछा कर करके पकड़ा गया। तो तलाशी के क्रम में इनके पास से एक देसी कट्टा और एक पिस्टल और दोनों में गोली लोडेड ये बरामद हुआ। मोटरसाइकिल और मोबाइल वगैरह इनके पास से बरामद हुआ है। हम आपको बता दें कि पकड़े गए कुख्यात शराब तस्कर सूरज गुप्ता पर करीबन आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस कई मामलों में इसकी तलाश कर रही थी। संजीव राय लालगंज थाने से इनके विरुद्ध केस दर्ज है, जबकि सूरज राय जो है एक कुख्यात तस्कर है शराब के। ये खुद में भी कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिला के, उनके विरुद्ध रंगदारी की मांग करने की भी बात प्रकाश में आई है। इस प्रकार कई केसेस उनके विरुद्ध दर्ज हैं जिनमें अनुसंधान कर रहे हैं। सर, पक्की सराय में एक शराब का स्कॉर्पियो मिला था, क्या इसी का था, इसी का नाम आ रहा था? नहीं, जो भी है और भी जहां भी हम लोग उसका बयान ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं, जिस विषय में अनुसंधान में आएगा उस समय हम लोग भी मांग करेंगे। मुजफ्फरपुर नाउ की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें हमारे फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुजफ्फरपुर और आसपास के सभी खबरों से अवगत रहने के लिए आप गूगल के प्ले स्टोर से हमारे मुजफ्फरपुर नाउ की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।